हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंकज की पाठशाला। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज 23 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने CCPWC एंड NDSO नामक दो ऑनलाइन पोर्टल को की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पे इसका जो शुरुआत किया गया पोर्टल का, ये सारा का सारा चीज़ है महिला के सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे दोनों का फुल फॉर्म क्या है वो नोट कर लेंगे हम लोग। CCPC का फुल फॉर्म, CCPWC का फुल फॉर्म है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये है इसका फुल फॉर्म CCPWC का, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। और NDSO का फुल फॉर्म है, NDSO का फुल फॉर्म वो नोट कर लीजिएगा, नेशनल डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, सेक्सुअल ऑफेंडर्स। देखिए क्या है, यहाँ पे इंडिया में अनाउंस किया गया है कि जितने भी पॉक्सो एक्ट के तहत जितना भी केस रजिस्टर होगा इंडिया में, उसका एक डेटाबेस तैयार करना है। मतलब सेक्सुअल से रिलेटेड अगर कोई भी केस रजिस्टर हो रहा है, उसका एक डेटाबेस तैयार करना है। और इसी के रिलेटेड ये पोर्टल को लॉन्च किया गया। और इसी है क्या, किस चीज के लिए? महिला की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा प्रहार मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय स्वदेश निर्मित मिसाइल है। हाल ही में बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। तो ये सभी इसके लिए सही है। मतलब ये प्रहार मिसाइल जो है वो भारत में निर्मित है, दूसरा है बालासोर में इसका परीक्षण किया गया है और सतह से सतह मार करने वाली है। और इसका बनाया किसके द्वारा गया है? इसको DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और इसका फाउंडेशन हुआ था, ये खोजा गया था, ये बनाया गया था कब? 1958 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा रायगंज वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? रायगंज वन्य जीव अभयारण्य यह है पश्चिम बंगाल में। यह खबरों में क्यों रहा था? तो यहाँ पे एक तेंदुआ था जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, जिसको मार दिया गया वही, तो उस तेंदुआ की वजह से ये अभी चर्चा में था, इसी वजह से। तो रायगंज वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और एक है बहुत फेमस, जिसका नाम है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क। और ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, उसके के अगल बगल के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? तो क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष। और उस सुंदरी वृक्ष की वजह से इस नेशनल पार्क का सुंदरबन नेशनल पार्क बना। गुजरात में फेमस जो है वो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क किस किस स्टेट में कौन कौन सा फेमस है वो नोट कर सकते हैं। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, और दूसरा है ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। तमिलनाडु में है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत फेमस है, यहाँ पर टाइगर के लिए बनाया गया। उत्तराखंड में भी बहुत सारा है, जिसमें से एक है फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है वैली ऑफ फ्लावर्स, और तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, और बहुत कुछ है। तो याद रखिएगा किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, सिचुएटेड है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एक्सपो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, ये नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटक का, और बेंगलुरु में कर्नाटका में एक एयरपोर्ट है केम्पे गौड़ा, जिसमें पहली बार इंडिया का बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है एयरपोर्ट में। बायोमेट्रिक सिस्टम जहाँ पे लोगों का बायोमेट्रिक खुद ब खुद हो जाएगा वहाँ पे। जयपुर राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी है, और इसको पिंक सिटी कहते हैं, पिंक सिटी। और गांधीनगर गुजरात की कैपिटल, गुजरात की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट ने मुस्लिम वुमेन ऑर्डिनेंस 2018 नामक अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसमें दोषियों को कितने सजा साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो देखिए, ये वुमेन मुस्लिम वुमेन ऑर्डिनेंस क्या है, तो वही है ट्रिपल तलाक का जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, अभी अध्यादेश लाया जा रहा है, जो राष्ट्रपति डायरेक्टली साइन करके इसको लोकसभा में पारित करेंगे, वही है। और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया शुरुआत में। तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये आर्टिकल नंबर 123, जिसमें राष्ट्रपति कोई भी चीज लॉ को पास कर सकता है डायरेक्टली, आर्टिकल नंबर 123। और कितने साल का सजा का प्रावधान है, 3 साल का। किसे स्मिता पाटिल अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है अनुष्का शर्मा को, इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए, स्मिता पाटिल अवार्ड 2018। विश्व बैंक बोर्ड ने भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी टैक्स का साझेदारी ढांचा का समर्थन किया है, जो टिकाऊ, उच्च टिकाऊ और समावेशी विकास के उद्देश्य के अनुरूप है। यहाँ पे क्या है, तो ये 5 साल के लिए बनाया गया है, 5 साल के लिए। और इसमें नई दिल्ली जो है, इसमें नई दिल्ली का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। और ये क्या लिखा गया, सीपीएफ, देखिए यहाँ पे सीपीएफ जो लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है कंट्री पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल फ्रेमवर्क। तो इसमें कितने साल का है, 5 साल का। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, और इसके प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय तक मंत्रालय एक तकनीकी भागीदार और टाटा ट्रस्ट के रूप में तैनाती भागीदारी के रूप में के साथ काम कर रहा है। तो ये आयुष्मान भारत जो है, उसमें कहा गया है कि 5 लाख तक का मेडिकल जो है वो फ्री होगा गरीबों के लिए, और ये 10 करोड़ लोगों के लिए लाया जा रहा है। और ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये डेल के साथ मिलकर काम कर रहा है, डेल के साथ। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सर्बिया, माल्टा और डेस के 3 देशों की आधारिक यात्रा पे है। वो तीसरा देश कौन सा है, वो तीसरा देश है रोमेनिया। रोमेनिया उपराष्ट्रपति अभी सर्बिया, माल्टा और रोमेनिया की यात्रा में निकले हैं। रोमेनिया की कैपिटल है बुकारेस्ट, बुकारेस्ट, और यहाँ की करेंसी है रोमेनियन लियू, लियू, रोमेनियन लियू। दूसरा है यहाँ पे सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, बेलग्रेड, और यहाँ की करेंसी है दिनार। और माल्टा, माल्टा की कैपिटल है वलेटा, वलेटा, और यहाँ की करेंसी है यूरो, यूरो। तो याद रखिएगा, अभी उपराष्ट्रपति किन 3 देशों की यात्रा में है, सर्बिया, माल्टा और रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो प्रस्तावित आईसीआरईआर की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञों को प्रदान करेगा, जबकि परियोजना एमएचए के समग्र निगरानी के तहत निष्पादित की जाएगी। आईसीआरईआर का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे देखिए एमएचए, एमएचए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी कौन है मिनिस्टर, तो ये है राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। और अब आ रहा है फुल फॉर्म आईसीआरईआर का फुल फॉर्म, तो आईसीआरईआर का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इमरजेंसी। आज के लिए इतना ही। कल का क्वेश्चन मैंने जो पूछा था, उसमें पूछा था कि ओजोन लेयर स्ट्रिप्स, ओजोन लेयर क्या रोकता है सूर्य की किरणों से, ये रोकता है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों को ये आने नहीं देता पृथ्वी की सतह पे, और वहीं से उसको वापस भेज देता है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड, यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूएनओ का, ये आज का क्वेश्चन है।
आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।